यार लेट जाओ, मैं भी छोड़ दो सर। 2024 का चुनाव को लेकर क्या कुछ है, किस तरह की तैयारियां की गई है? देखिए आप देख रहे हैं कि सर किस तरह की तैयारियां 2024 की। देखिए जो चुनाव होने वाले हैं हरियाणा के अंदर 25 मई को, उसके लिए आप देख रहे हैं कि लोगों के अंदर बहुत जोश है। सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर एक बहुत जोश है, लोगों के अंदर भी एक बहुत जोश है। जहाँ जहाँ जा रहे हैं लोगों को बहुत आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है। मैं बहुत आभारी हूँ लोगों का, और मैं जो मुझे माननीय मोदी जी ने जो मुझे यहाँ पे कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की जनता का सेवा का मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ उनका भी, मनोहर लाल खट्टर जी का, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, और हम सब मिलजुल करके अपने सपनों के विकसित भारत का हम निर्माण करेंगे। धन्यवाद सर। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आप सीबीआई और ईडी की तरफ से जो है बीजेपी। देखिए मेरे जो है पिछले ये 10 सालों से मैं जो है अपने काम के ऊपर मैं बिजी था, और मैंने जो है काम के ऊपर ध्यान दिया। मैं राजनीति से दूर होकर के जो एक पारिवारिक रिश्ता है वो मैंने बना करके रखा, और अब जब मुझे मौका दिया गया तो जो है मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे ये मौका दिया माननीय मोदी जी ने कि मैं आकर के मैं लोगों की सेवा कर सकूं। और जहां तक कोई भी जो केस की बात होती है, केस तो किसी के ऊपर भी कोई भी केस किया जा सकता है, लेकिन मुझे देश की न्यायपालिका के ऊपर पूरा विश्वास है, और मैं समझता हूं कि जो सच है वो सबके सामने आ जाएगा। क्या कुछ एजेंडे लेने पड़ेंगे सर, किस मुद्दे को लेकर आपको जो है जनता के ऊपर? देखिए जनता के बीच जो है जो जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में काम किया है वो लोगों के सामने है। आज लोगों के सामने ये स्पष्ट है कि माननीय मोदी जी के सामने में और कोई भी देश में कोई ऐसा नेता नहीं है जो उनकी टक्कर का हो, इसलिए लोग बात जो है सब ही चाहते हैं कि एक बार तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी दोबारा से बने और उनके बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो, हमारे देश का भविष्य उज्ज्वल हो। धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू सर।